फ्रेंड्स, आज हम एक नवरात्र के रिलेटेड एक पर्स बनाएंगे मोबाइल रखने के लिए। तो ये मैंने तीन कपड़े लिए हैं, एक साइज के, और ये 7.5 x 7.5 इंच का है, और एक रबर सीट ली है। इसमें से हम दो कपड़े लेंगे और दोनों के बीच में हम रबर सीट को रखेंगे और तीनों को सिलाई करके जोड़ देंगे। ये मैंने सिलाई करके जोड़ दिया है और ये फिर से मैंने थोड़ा सा शेप दिया है, तो देख लेती हूँ मैं। 7x7 इंच का वो कर लिया है मैंने। अब हमें इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को यहाँ पर हमें ये जो एम्ब्रॉयडरी किया हुआ एक बेल्ट है उसको लगाना है, यहाँ से यहाँ पर इस तरह से सिलाई करके जोड़ना है। मैंने जोड़ दिया है। अब हमें ये जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे, तो इसके लिए मैंने ये उल्टा रखेंगे तो पता चलेगा कि कितना एक्स्ट्रा हो रहा है। इस तरह से इसको कट कर लेंगे। और यहाँ पर ये जो बचा है जगह, वहां पर हमें बेल्ट को फिर से यहाँ पर रखना है और यहाँ पर सिलाई करके जोड़ना है और एक्स्ट्रा कट कर लेना है। अब यहाँ पर ऊपर में अभी खुला है तो हम यहाँ सिलाई करके इसको जोड़ देंगे। अब ये जो तीसरा कपड़ा था हमारा वो लिया है और किसी भी एक तरफ हमें 2.5 इंच पे निशान करना है। और यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके हमें इसको कट कर लेना है। अब इस दोनों के बीच में हमें एक जिप लगानी है, तो जिप को हमें यहाँ पर लगानी है। तो पहले जिप को उल्टी रखेंगे, नीचे का कपड़ा सीधा है और ये जिप को उल्टा रखना है और सिलाई करके यहाँ पर जोड़ देना है। यहाँ पर भी हमें डार्क सिलाई कर देनी है। यहाँ पर ये जो जिप की दूसरी तरफ हमें ये कपड़ा लगाना है, सिलाई कर दी है मैंने और ऊपर में डार्क सिलाई कर दी है। अब हमें यहाँ पर रनर इंसर्ट कर देना है, जो इसका पॉइंटेड थोड़ा पार्ट होता है वहाँ पर, वहाँ से हमें एंटर करना है रनर को। अब हमें ये जो हमारा मेन कपड़ा है उसके ऊपर इसको लगाना है। तो ये इसमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है उस तरफ हमें जिप आए, उस तरफ लगाना है, इस तरफ नहीं, इस तरफ लगाना है और चारों तरफ सिलाई कर देनी है। अब हमें जिप को खोल के हमें इसको सीधा करना है, पर उसके पहले हम कॉर्नर को ट्रिम कर लेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हम इसको सीधा कर लेंगे और कोई नोकेली चीज़ से हम इसका कॉर्नर अच्छे से निकालेंगे ताकि शेप अच्छा आ जाए। ये देखिए एकदम मस्त स्क्वायर शेप हो गया है, पॉकेट बन गया है। यहाँ पर हमें अब कॉर्नर पे हमें लगाना है जो हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है वहाँ पर, उस कॉर्नर पे हमें ये जो कमर पे लगाने के लिए, जो जूड़े में लगाने के लिए वो पड़ी आती है वो लगानी है। धागे से हम लगाएंगे, ये मैंने लगा दी है इस तरफ यहाँ पर। और यहाँ पर हमें कोड़ी लगानी है जो डेकोरेशन के लिए, या फिर यहाँ तीनों साइड पर लगा सकते हैं आप, चाहे जैसे इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए मैंने इस तरह से कोड़ी लगा दिया, कोड़ी और मोती से ये इसको सजा दिया है और ये नवरात्र के लिए रेडी है।